आपका पहला सवाल है कि रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है, तो आपका उत्तर होगा अधिवृक्क। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। इसलिए मैं प्रश्न बढ़ूँ से पहले आप उत्तर तैयार रखें, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, तो आपका उत्तर होगा एड्रिनल। अगला सवाल है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, तो आपका उत्तर होगा एड्रिनेली। ठीक है, एड्रिनेलिन हार्मोन है जो लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखते हैं। तो आपका अगला सवाल है कि इंसुलिन है एक प्रकार का, आपका उत्तर होगा हार्मोन है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो आपका उत्तर होगा एस्ट्रोजेन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती हैं, तो आपका उत्तर होगा लैक्रिमल। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, तो आपका उत्तर होगा थाइमस ग्रंथि। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो आपका उत्तर होगा परावट्टु ग्रंथि। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से हार्मोन में से किसमें आयोडीन होता है, तो आपका उत्तर होगा थायरोक्सिन में। अगला सवाल है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो आपका उत्तर होगा मस्तिष्क में। अगला सवाल है कि प्रथम परख नली शिशु का नाम था, तो आपका उत्तर होगा लुइस। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनीविहीन है, तो आपका उत्तर होगा अंतःस्रावी ग्रंथि। अगला सवाल है कि वाहिनीविहीन ग्रंथियों के स्त्रवण को कहते हैं, तो आपको याद रखना है ये कहते हैं हार्मोन। अगला सवाल है कि मानव शरीर की किस कोशिका को मास्टर कोशिका कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि को। अगला सवाल है कि गाय को भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो आपका उत्तर होगा ऑक्सीटोसिन की। अगला सवाल है कि बच्चों का लिंग निर्धारण करके गुणसूत्र से होता है, तो आपका उत्तर होगा पिता से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसके कुसंक्रियों के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा होता है, तो आपका उत्तर होगा अवटु ग्रंथि। अगला सवाल है कि रेशम पालन कहलाता है, तो आपका उत्तर होगा सेरिकल्चर। अगला सवाल है कि विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है, तो आपका उत्तर होगा स्नायु तंत्र। अगला सवाल है कि मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं, तो आपको याद रखना है मायोलॉजी में। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है, तो आपका उत्तर होगा जल। अगला सवाल है कि किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, तो आपका उत्तर होगा शाकाहारी। अगला सवाल है कि पारिस्थितिकी शब्द को सर्वप्रथम प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है, तो आपका उत्तर होगा रिटर को। अगला सवाल है कि खाद्य श्रृंखला में सबसे ज़्यादा संख्या किसकी होती है, तो आपका उत्तर होगा अपघटक की। तो आपका अगला सवाल है कि सीड थेरेपी किसके उपचार के लिए प्रयोग की जाती है, तो आपको याद रखना है यह की जाती है कैंसर के लिए। तो दोस्तों आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।